राजघराना फिल्म के बैनर पर हिंदी एल्बम आया है, हिंदी फिल्म में भी आने वाली है बहुत जल्द, और बहुत धमाकेदार एंट्री। हमारे ये इतने क्रिएटिव पर्सन हैं, इनसे मैं आपको एक बात बता दूं, जो फेसबुक पर या कभी कभी मैं बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें लिखता हूँ वो मैं इन्हीं से लेता हूँ। ये राज की बात आपने खोल दी। राजघराना में राज की बात मैंने खोल दी। सो बहुत बधाइयाँ सर आपको, कांग्रेचुलेशन सर, आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने इनके साथ एक फिल्म किया था, इतनी सी खुशी इनके साथ, मुझे ऐसा लगा था कि मैं किस काम करूँगा, ये कैसे डायरेक्टर मैं थोड़ा सा डरा सहमा, लेकिन ऐसा भी था कि चलो रोजी रोटी भी है तो काम कर लेते हैं। लेकिन जब मैं इनके सेट पर गया और इनके साथ काम किया तो ऐसा तजुर्बा हुआ है मुझे कि मैं पहली बार एक्टिंग कर रहा था वहाँ पर। जब मैंने एक्टिंग किया तो ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम आया, मतलब मुझसे कोई करा रहा है एक्टिंग। बाकी शूटिंग में तो कई जगह ऐसा भी होता है, वेरी गुड कैमरा उठाओ चलो चलो चलो, लेकिन आपके साथ काम करके मज़ा आता। इनके भी यहाँ पर पहला सॉन्ग जो था वो आचार्य साहब पर, मास्टर जी पर पिक्चराइज था, गाना कैसा लगा आपने? आपको पूरा गाना देखा? जी मैंने पूरा गाना नहीं, थोड़ा सा देखा था मोबाइल पर, देखा था सर ने दिखाया था ऑफिस में, और बहुत ही प्यारा गाना है। मैं थोड़ा यहाँ लेट आया हूँ शायद गाना लेकिन मैंने देखा है, और मास्टर जी की बात ही अलग है, उनका क्या कहना। जब मास्टर जी बहुत खड़े हो जाते हैं वहाँ से नृत्य शुरू होता है। सो गणेश आचार्य जी का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं क्या पूरी दुनिया फैन है, गोविंदा जी इनके बिना हिलते नहीं थे, और जब भी गोविंदा जी हिलते हैं तो उसमें हमें गणेश जी दिखते हैं। तो गणेश आचार्य जी बहुत अच्छे इंसान भी हैं, मेरे जैसे एक छोटे हाई में कई लोगों को इन्होंने बहुत मदद की हुई है गणेश आचार्य जी ने, जिसका नाम नटवर है और भी तो मेरे हाई में। सो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू गणेश आचार्य जी का। और आप लोग ऐसे ही बड़े बड़े काम कीजिए सर, हिंदी फिल्म कीजिए और जमा दीजिए। आनंद त्रिपाठी जी का सवाल कभी ख़त्म नहीं। एक जी एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, आपके अलावा और मास्टर जी गणेश आचार्य के अलावा अपनी इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन डांसर आप किसे मानते हैं? मेरे अलावा सबसे बेहतरीन डांसर मैं हूँ, मेरे अलावा मैं ही और कोई नहीं है। ठीक है बहुत दिनों के बाद इस लाइन में आया, मुलाकात हुई और मैं दो तीन पिक्चरें कर लिया और संजोग से भैया के साथ नहीं कर पाया, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि मैं या तो आपके लायक एक्टर नहीं हूँ, मैं बोला नहीं ऐसी बात, मैं आपको लाऊं तो मिसयूज ना करूं, एक स्टंप लाऊं मिसयूज ना करूं, नहीं तो आप लोग सवाल करेंगे कि उनको लेके आए आप और करवाया क्या। और दूसरी बात मैंने बोला कि भैया मैं आपकी हाइट क्या है नहीं है ये आपके और गॉड के बीच का, मैं बड़ी शेमिंग करके या ये करके आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, सब चीज़ करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है, तो मैं तो आपको करेक्टर वैसा दूंगा जो कोई भी एक्टर कर सकता है, नॉर्मल एक्टर वो भी। तो मैंने इनको लाया है पैरेलल रोड में, लाया है कहीं से, मतलब अभी बड़े चुलबुल हैं तो स्टूडेंट लाइफ में कैसे थे ये? अरे बहुत बहुत बहुत, आप इनके कॉन्फिडेंस तो उस समय से, अभी तो फिल्मों में आ गए, जब ये स्टूडेंट थे उस समय भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, ये जब कॉलेज में आते तो भीड़ लग जाती थी और उस भीड़ को भी बड़ा अच्छे से हैंडल करते थे, है ना। और इनके दोस्तों में होड़ लगी रहती थी कि साइकिल पे इनको बिठा के कौन घर तक ले जाएगा और कौन लेके आएगा, इसका बहुत फायदा भैया ने उठाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।